हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। किशोरी जी डिजाइनर बुटीक में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ऑनलाइन सेमी स्टिच ड्रेस को कैसे स्टिच करें। कई बार हम ऑनलाइन ड्रेस मंगाते हैं लेकिन वो पूरी तरह से स्टिच नहीं होती, वो कुछ इस तरह से होती है। ये देखिए, अब ये जो ड्रेस है इसका जो नेक है वो देखिए बना हुआ नहीं है। ये नेक हमें बनाना पड़ेगा, बैक वाला नेक भी, और जो इसकी स्लीव्स हैं वो भी, ये लगा लो कि लगभग ये हमें दोबारा से पूरी स्टिच करनी पड़ेगी। तो आज हम आपको इसकी इसके इसकी कटिंग कैसे करते हैं और इसको स्टिच कैसे करते हैं ये आपको दिखाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा। तो अब पहले हम इसके ये जो स्लीव्स हैं इनको अलग कर लेंगे। इनमें ज्यादा कुछ टाइम लगता नहीं है। अब जो इसका आगे का और पीछे का जो पार्ट है, ये इसमें बीच में एक पाइपिंग दी हुई है। अब इस पार्ट को हम एक अलग कर लेंगे एक दूसरे से। अगर ये लंबाई इसकी ठीक हुई तो हम इसको स्लीव्स में यूज करेंगे। बहुत ही आराम से उतर जाता है ये। अब ये हमारा जो बैक का पार्ट है इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। अब हम इस पे निशान लगाना शुरू करते हैं। तो इसके निशान, जैसे हम किसी भी फ्रॉक सूट के अपर पार्ट का निशान लगाते हैं, उसी तरह से इसका निशान हमें लगाना है। तीरा हमें लेना है 7 इंच। इसका आर्म होल ले लिया हमने, इसको यहाँ हल्की सी गुड़ाई देते हुए। अब जो चेस्ट का है वो निशान लगाना हमें। चेस्ट का लगाना हमें, जो अपर ब्रस्ट है वो लगानी है हमें 10.5 पे, इससे 3 इंच गैप छोड़ते हुए। लोअर ब्रस्ट का लगाना हमें 11 इंच पे, और इसकी कमर दस इंच पे कमर का निशान लगा दिया। अब ये नीचे से इसकी प्लेटें पहले से डली हुई हैं, इसकी जो चोली है वो अटैच है, तो इसलिए हम इसमें प्लेटों का निशान तो लगा नहीं सकते। अब सिर्फ हमें इसकी ये वाली फिटिंग करनी है, तो इनको मिला देंगे हम आपस में। ये देखिए, बस इतना सा काम है। अब इसकी कटिंग करते हैं। इसमें ये यहाँ तक इंटरलॉक हुई हुई है, तो इसको तो हम कटिंग करेंगे नहीं, बस हल्की सी यहाँ से इसको थोड़ा सा कट दे देंगे। ये हमारी इसके निशान लगे फिटिंग के। अब हम इसके स्टिचिंग शुरू करते हैं।